नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह में भाग लिया। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत की और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। तो लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत किया। लोहाघाट विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में होली मनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में होलियारों का उत्साह वर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री ढोल बजाते नजर आए। सीएम धामी ने फूल बरसाकर जनता को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंपावत काली कुमाऊं की होली अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ की होली से उन्हें बहुत लगाव है। जल्द ही चंपावत जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर सरकार कार्य कर रही है। जिले के साथ साथ उत्तराखंड लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के साथ अतिक्रमण को भी हटाने का काम चल रहा है। बीते दिनों हल्द्वानी में हुई घटना के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह का कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नकल विरोधी कानून लागू होने से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उत्सव है और इस बार का ये जो उत्सव है ये हम सब लोगों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इन इस उत्सव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, जो उनकी तपस्या है, जो उन्होंने अपने 10 सालों में जो भारत की प्रतिष्ठा को आगे पहुंचाया है अपने संकल्पों से, अपने तप से, अपने कर्म से, और एक एक पल और एक एक क्षण जो देश के लिए लगाया है, उस प्रतीक्षा का प्रतिफल देश की जनता देगी और प्रदेश की जनता देगी। इस बार हमारा देश उनके नेतृत्व में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम के खटीमा पहुंचने पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। लेकिन आप सब लोग अभी इस समय संवाद से ज्यादा क्या है कि काम करने पर हम सबको ध्यान देना है। संवाद हम लोगों का लगातार हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सबकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और आज से ठीक 30 दिन बाद, 30 या 29 दिन बाद हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधमसिंह नगर का चुनाव संपन्न हो जा रहा है। और दो तीन चार दिन आपके अभी होली के भी कार्यक्रम हैं, उसके बाद 27 तारीख को इस लोकसभा क्षेत्र का नामांकन हो रहा है और 27 से 17 तारीख तक केवल 20 दिन का जो समय है, उस 20 दिन के समय में हम सबको जो भी हमने अभी तक काम किए हैं, लाभार्थियों के सम्मेलन हुए हैं, अनेक अनेक लाभार्थियों को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है और पूरे भारतवर्ष में अभी हमको अनेक स्थानों पर मुझे और जगह भी जाने का अवसर मिला, बहुत सारे कार्यक्रमों में गया। तो एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर इन 10 सालों में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, इन 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार के कालखंड में किसी न किसी योजना का लाभार्थी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी में 2012 में पूर्व विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश वंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे, किसी कारण की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आज उनकी घर वापसी हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव में इन सभी लोगों के साथ बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए, हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हूँ और निश्चित रूप उन परिस्थिति के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। साथ ही अब बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ बीजेपी अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं को भी मिल रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ शुरू करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता है उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जा कर के उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बीजेपी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, आने वाले समय में लगता है सीएम भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के होंगे और वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी कांग्रेस की बी टीम बन जाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। ऐसा ना हो, देखिए बीजेपी अति घमंड में है और जो भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। आज बीजेपी में उनका कैडर वर्कर कम है, कांग्रेस का वर्कर ज़्यादा है। 9 मंत्रियों में से 5 मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के, और कल को ऐसा ना हो कि उनकी तरफ से बनने वाला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पृष्ठभूमि का ना हो, भूमिका का ना हो। जो उनका कैडर वर्कर था, जो दरी बिछाता था, जो संघ की शाखाओं में जाता था, आज वो अपने को पीछे पा रहा है। कांग्रेस से गए हुए लोगों ने वहाँ मुख्य पद जो है ले लिए हैं। आने वाला समय बीजेपी कांग्रेस की बी टीम होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम को लेकर एक रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 11,729 बूथों पर कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं होंगी, ऐसे में 70 विधानसभा में कुल 7,000 नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। 26 मार्च तक दृष्टि पत्र तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित विषय होंगे। इसके अलावा धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी विधायकों और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि ये पूरे राज्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों डॉक्टरों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन करें। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है,
और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है, तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए, इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जिससे कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं असम से पकड़ा गया आईएसआईएस के एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून से कनेक्शन निकला है। वह यहां के रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार वह बीते 10 साल से देहरादून नहीं आया। केंद्रीय एजेंसी कई बार उसके बारे में पता करने देहरादून आ चुकी है। बताया जा रहा है कि उसका पिता भी कई दिनों से गायब है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक बाप बेटे दोनों आईएसआईएस के बेहद खूंखार सदस्य हैं। फारूकी और उसका दोस्त दोनों देश में आईएसआईएस का जाल फैलाने और लोगों को भर्ती करने के साजिश में शामिल थे। टेरर फंडिंग और देश में कई जगहों पर आईटी ब्लास्ट के साजिश भी रच रहे थे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हासिम के पिता यहां पर एक यूनानी दवाखाना चलाते हैं। बीते 20 सालों से फारूकी का परिवार देहरादून के डालनवाला में रहता है। एसएसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस के पास काफी समय से इनपुट था, लेकिन उसके बारे में पता चला कि हासिम बीते 10 साल से देहरादून नहीं आया। उसके पिता से भी देहरादून पुलिस ने संपर्क किया था। उधर सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ भी काफी लंबे समय से हासिम के पिता के संपर्क में थी और उन्हें कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं, और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आए, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसी और अन्य एजेंसी द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसी ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था, और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहां पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में। वही मार्च के महीने में सुबह और शाम में ठंड, जबकि दोपहर की गर्मी के चलते हार्ट अटैक, छाती की बीमारी ज्यादा होने लगी है। इस विषय पर रुद्रपुर के हार्ट और लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर नीतिका बठला ने कहा है कि मौसम बदलने के साथ हार्ट अटैक, सांस लेने में दिक्कत, लीवर में इन्फेक्शन ज्यादा होने लगे हैं। इसका बचाव के लिए सुबह वॉक करना चाहिए। ज्यादा पसीने आ रहा हो या घबराहट हो रहा हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। देखा जाता है कि कोई भी सांस की दिक्कतें या हार्ट की दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे में हम ये कहते हैं कि जो 50+ एज के हैं या जिन लोगों का काम बहुत स्ट्रेस वाला है, बैठने वाला काम है, हैवी काम है, अपने आप को समय देना शुरू करिए। वॉक करना चाहिए, सुबह उठ के अच्छा व्यायाम, योगा जरूर करिए। छोटी छोटी बातें हैं, खाने में बहुत ज़्यादा कोई मसाले तली वाली चीज़ें ये सब ना लें। सुबह बहुत ज़्यादा पराठे जिनको खाने की आदत है उनको अवॉइड करिए, आप सिंपल चपाती से भी काम चला सकते हैं। और रूटीन अपना अपना ना, जब आपको कोई भी ऐसे लक्षण लगे कि आपको, जैसे खुद ही मरीज़ को पता लग जाता है कि घबराहट है, एक बेचैनी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। छोटी छोटी बातें भी डॉक्टर से शेयर करने पर काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पहले पता लग सकती। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां बीजेपी अपने 5 प्रत्याशियों के नाम तारीखों को तय कर चुकी है, तो वहीं अभी कांग्रेस अपने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी। हालांकि 3 सीटों पर घोषित किए गए प्रत्याशी जल्द ही नामांकन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि कांग्रेस से 3 सीटों पर जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है वो जल्द ही नामांकन करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हाईकमान नहीं दे सकता पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पर पॉजिटिव और निगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीजें होंगी। वहीं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी। यात्रा शुरू होने से पहले जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुट गया है। केदारनाथ धाम पैदल जाने वाले रास्ते से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी प्रशासन जुटा हुआ है।
इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलने जा रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस 3 चरणों में कार्य करने में है ताकि स्टेप वाई स्टेप कार्य सही समय पर पूरे हो सके। पहला काम है यहाँ से लेकर के गौरीकुंड तक में, जिसके आसपास पार्किंग्स, रोड, वॉल पेंटिंग, सफाई व्यवस्था, घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए उनकी पार्किंग, मतलब पहले घोड़े खच्चरों के लिए पार्किंग नहीं हुआ करती थी उनके लिए, तो 2-3 स्थल पर वो बनाना। फिर जैसे हमारी लास्ट में गौरीकुंड में पार्किंग थी, वो छोटी पार्किंग थी, उसको बड़ा करना जिससे गाड़ियों को आसानी रहे, रोडों को, मार्गों को चौड़ा करना। आप गौरीकुंड में भी देखेंगे बहुत से मार्ग अब चौड़े किए जा रहे हैं जिससे यात्री और गाड़ियां साथ में निकल सकें, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। वहीं चमोली में पुलिस ने दबिश देकर 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने बरामद माल को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव में शराब बेचने के लिए इकट्ठा की गई थी। पूरा मामला चमोली जिले के थराली गांव का बताया जा रहा है। उत्तराखंड की प्रतिष्ठित हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनावी दौड़ में बीजेपी अकेले ही स्तर पर दौड़ रही है। वहीं आज उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार सीट से नामांकन किया है। वहीं यहां पे तस्वीरें देख रहे हैं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की, जिन्होंने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की है मंदिर में और भगवान से आशीर्वाद लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार सीट पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आज नामांकन किया और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। वहीं रुद्रप्रयाग मुख्यालय के बैलनी पुल से एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग पुलिस, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस ने बैलनी पुल से जवाड़ी बाईपास तक अलकनंदा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन महिला का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। रात हो जाने के कारण सर्च अभियान रोक दिया गया है। कल सुबह फिर सर्च अभियान जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक महिला कौन थी इसका पता नहीं लगाया गया है। वहीं डोईवाला के शक्ति भवन मंदिर हॉल में युवा पत्रकार संघ ने व्यापार मंडल के सहयोग से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें युवा पत्रकार संघ डोईवाला के पत्रकारों ने देश में आपसी भाईचारे, अमन चैन, राष्ट्रीय सौहार्द को बनाए रखते हुए सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह के क्षेत्र के तमाम सामाजिक और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशाल झांकी ग्रुप ने राधा कृष्ण की सुंदर झांकी की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता और करण बोरा ने शिरकत की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रोड शो कर आमजन से उनके पक्ष में मतदान की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात कर कहा कि पूरे देश में विकास का मंत्र है, हमें विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल बनाना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड और गढ़वाल को आदर्श क्षेत्र घोषित करना होगा। उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ दी है पलायन के खिलाफ, और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सृजन हो वो करना है। उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है, इसी के लिए संकल्प है। विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं, जैसा आज भी देखा रहे पौड़ी और श्रीनगर में भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं बीजेपी में, दामन थामा है, कांग्रेस की स्थिति? देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस निस्तानभूत हो गई। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं। जो लोग राजनीति में एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो विकसित उत्तराखंड के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वह सब लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, जिसको लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी के मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने आम जनता को ठगने का काम किया। कांग्रेस के लोग बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा तो जरूर देते हैं, लेकिन कांग्रेस शासन काल में महिलाओं और बेटियों के लिए किसी भी प्रकार का उत्थान का काम नहीं किया जाता।
कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह सिर्फ खोखली बातें और झूठे वादे करती है, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा आम जनता के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री कुशल सिंह धामी जी की सरकार हो, हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा खोखली बातें, उनका इतिहास रहा है, और वो नारा तो जरूर देते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, गरीबी हटाओ, लेकिन हकीकत में वो उस समाज के लिए। भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के रूप में दी जाने वाली हर नागरिक की मतदान जरूरी है, लेकिन फिर क्या जब वही लोग इस पर्व से मुंह मोड़ने लगे, मतदान ना करना और कुछ हद तक नोटा का इस्तेमाल भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ढीली करने का काम करता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में पिछले कुछ चुनाव में देखने को मिला है, जहां पर केवल सरकारों के नकारापन के चलते जनता नोटा और उससे भी आगे बढ़कर इलेक्शन बॉयकॉट का फैसला लेते आ रही है। पिछले चुनाव में कुल मिलाकर 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर तकरीबन 800 लोगों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया। जिलाधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओस को निर्देश दिया गया है, और जहां जहां पर जो जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा जनता का भी, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी। सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे वो उस गांव के वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफर केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, तो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने को कहा, जिससे आम लोग सीधे अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक बोलेरो कैंप गहरी खाई में जा गिरी। इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिव नंदी के पास हुआ। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां पहुंचकर एक शव को बरामद किया है। वहीं दूसरे व्यक्ति का शव वाहन के नीचे दबा हुआ था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को काट कर निकाला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।